प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ए में है गुना, बी में गुना है, सी में भी गुना है और डी में ये भाग है। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं वो है एलेवन बी। इसे हम हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, 3/-5 इंटू -5/3। यहां हम गौर से देख रहे हैं, यहां अंश में 3 है और यहां हर में भी 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहां 5 है और यहां भी 5 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये हमारा क्या आ गया, 1। ये नीचे भी माइनस था, ऊपर भी माइनस था, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, डी नंबर, इसमें भाग है 4/-2/3। इसे हल करते हैं, 4 into -3/2। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये 2 1 जा 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये 2 2 जा 4, तो ये हमारा हो गया 2 3 जा 6 और ये यहां प्लस था, ये माइनस था, तो ये माइनस आ गया। तो ये हमारा, इस तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं का गुना और भाग करते हैं। प्रश्न संख्या 12, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां दो परिमेय संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर -3, और एक परिमेय संख्या यहां दी हुई है, एक परिमेय संख्या, यह है हमारा -11/6। तो दूसरी हमें निकालनी है, इसलिए दूसरी परिमेय संख्या तो हम क्या करेंगे, ये दो परिमेय संख्याओं का जो योगफल है उससे एक परिमेय संख्या को अगर हम घटा दें तो हमें दूसरी परिमेय संख्या मिल जाएगी, अर्थात -3 -11/6, और ये हो जाएगा -3, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो -11/6, तो यहां हो जाएगा एलसीएम 6 और यहां 18 प्लस ये 11 इक्वल टू ये हो जाएगा -7, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है इसलिए यहां घटाव हो जाएगा, तो 18 से 11 गया 7 हो गया, और ये चूंकि बड़े वाले का माइनस था चिन्ह तो यहां माइनस हो गया -7/6, तो हमारा उत्तर आ गया है -7/6। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। आइए इसे हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
अभीष्ट संख्या जो हमें चाहिए, अभीष्ट संख्या। तो अगर दोनों दो संख्याओं का जोड़ 7/5 है, 7/5 है और एक -1 है, तो हम 7/5 से -1 अगर घटा देंगे तो हमारी अभीष्ट संख्या मिल जाएगी। अर्थात 7/5 -1, तो ये हमारा हो जाएगा 7/5 -+ और ये 1, ब्रैकेट हटाने से ये -+ हो गया। एलसीएम इसका हमारा हो जाएगा 5, यहाँ होगा 7 और ये हो जाएगा 5 1 5, तो ये हमारा आ गया आंसर 12/5। अर्थात -1 में 12/5 अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 7/5 प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहां क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम इस तरह से हल करते हैं, दो संख्याओं, पहले जो दिया हुआ उसे लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा हो गया जो दिया हुआ है -12। एक संख्या इसमें से, एक संख्या है इक्वल टू -3/4, तो दूसरी संख्या का क्या होगी, दूसरी संख्या जो हमें चाहिए, तो इस गुणनफल से इस गुणनफल को अगर हम इससे डिवाइड कर दें, इससे भाग दे दें, तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। अर्थात -12 डिवाइडेड बाय यानी भाग -3/4, तो ये हो जाएगा -12 इंटू -4/3। तो अब यहां देख रहे हैं ये 3 से ये 4 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 और ये -+ हो गया, तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, -7/13 में से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो जाए। तो इसे भी हम इसी तरह से करेंगे जो हमारी अभीष्ट संख्या होगी, ठीक इसी तरह से। तो ये हमारी अभीष्ट अभीष्ट संख्या बराबर ये हो गई 28 डिवाइडेड बाय -7/13, तो ये होगा 28 इंटू -13/7, तो ये 7 से 28 7 कटेगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये हमारा हो गया -52। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का जोड़ हमें दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, तो उस एक योगफल से उस एक संख्या को अगर हम माइनस कर दें तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो मिल जाती है। इसी तरह से यदि दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, तो उस दो संख्याओं के गुणनफल में उस एक संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमारा दूसरी संख्या मिल जाती है।